नमस्कार, कशिश न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता सिंह। कल तक राजधानी पटना की दीवार अक्सर मधुबनी पेंटिंग से पटा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ अब लगता है कि मधुबनी पेंटिंग की मांग अब घट गई है और उनकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं गोलघर के पास, और यहाँ की दीवारों की बात कर लें तो आप देखिए कि पहले जो दीवार हुआ करता था उस पर अलग तरह के पेंट किए जाते थे, लेकिन इस बार जो पेंटिंग किए कराए जा रहे हैं उस पर गणेशा का चित्र बनाया जा रहा है, गौतम बुद्ध का चित्र बनाया जा रहा है, माँ दुर्गा का चित्र बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अलग अलग तरीके की जो पेंटिंग है वो बनाई जा रही है। थोड़ा सी चित्रकारी में भी इस बार परिवर्तन किया गया है। यहाँ के कारीगरों से हम जानते हैं कि आखिर इस बार की पेंटिंग में क्या खासियत है जो आपने मधुबनी वाली पेंटिंग को हटा कर इस वाली पेंटिंग को दिया है। मधुबनी तो सभी जगह पर बन रही है, पर ये दीवार में कुछ और यूनिक बनाया जाए ताकि आदमी पब्लिक को भी थोड़ा अच्छा लगे देखने में, बस इसके कारण से अलग अलग डिज़ाइन भगवान जी का चित्र बनाया जा रहा है। कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग अलग पेंटिंग बनाने? स्वच्छ भारत के कार्य ये सब के लिए किया जा रहा है, ताकि जो पब्लिक जो चलते हैं तो रोड पर थूकते हैं वो सब ना कर पाए। जो बहुत लोग जैसे चल रहे हैं बहुत लोग रोड पर थूक देते हैं, ताकि ये सब दीवार बड़ा समस्या है कि बीच सड़क पे कचरा भी फेंक देते हैं, झूठा फेंक देते हैं, थूक फेंक देते हैं भगवान की मूर्ति देखकर, ताकि ये सब ना कर सकें। बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर हुआ। क्या है? हम यहाँ बस डिज़ाइन करते हैं। तो आपके बदलते समय के साथ कारीगरों का भी दिमाग बदल रहा है। इन लोग का भी कहना है कि जैसे पहले पेंटिंग जो हुआ करती थी मधुबनी पेंटिंग होती थी, लेकिन समय के साथ जो है मधुबनी पेंटिंग अब हर जगह देखने को मिलता है, इसलिए थोड़ी सी अलग कलाकारी करके ये लोग पटना को अलग रूप देना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और कारीगर है। आप लोग थोड़ा अलग तरह का पेंटिंग कर रही हैं, क्या खास है? मधुबनी पेंटिंग है ये। अच्छा, ये मधुबनी पेंटिंग है, लेकिन थोड़ा सा पहले से तो अलग है। हाँ, अलग है ये, दिख रहा है थोड़ा, क्योंकि वही दिखाना। कैसे दिमाग में आया कि ये थोड़ा अलग करना है? ये हम लोग का लीडर कोई और है, वही बता रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसा करके पेंटिंग बनाना है, कि पिछले बार से कुछ हट के बनाना है, कि देखने में अच्छा लगे थोड़ा। क्या नाम है आपका? कुमारी सुषमा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो चित्रकारी है सचमुच बहुत आकर्षित कर रही है देखने में। पहले से थोड़ा अलग दिख रहा है, जो पहले की जो चित्रकारी होती थी उसमें इस बार ज़्यादातर भगवान की ही तस्वीरें देखी जा रही है। इसके पीछे जैसे कारीगरों ने बताया कि जैसे जहाँ मन होता था पेंट किए हुए होने के बावजूद लोग उस पर थूक फेंक देते थे, कचरा फेंक देते थे, जूठा फेंक देते थे, लेकिन शायद इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, बेहतर पटना दिखने के लिए भगवान के चित्र को ही ज़्यादातर तवज्जो दिया जा रहा है। क्या इस पेंटिंग का क्या खासियत है? इस पेंटिंग है आपको खासियत की आपको मना है, ये है कला है, कोई भी मैंने कचरा उचरा लाकर नहीं फेंकता है, कोई आपको यहाँ पर बाथरूम भी मैंने करेगा नहीं, उसके लिए हम लोग भगवान की बनाते हैं। अगर इस पे अगर कोई कचरा फेंक दे या जूठा फेंक दे तो क्या कोई कार्रवाई है या कुछ है? उसका फाइन मिलता है, हाँ, 2000 रुपये फाइन है। जी हाँ। तो आपने देखा, देखिए सड़क के उस किनारे भी जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, अर्जुन की तस्वीर दी गई है। यानी कि बस पहला जो बात है वो है कि ज़्यादातर इस बार भगवान की तस्वीरें देनी है ताकि लोग जूठा नहीं फेंक सके, क्योंकि एक भारत की बात करें तो एक अवधारणा है कि भगवान का स्थान सर्वोच्च होता है, और ऐसे में लोग जूठा फेंकने से बचते हैं, थूक फेंकने से बचते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में यही सब कारण है कि ये सोच करके इस बार भगवान की ही तस्वीर डाली गई है। अगर आप इस पर जूठा फेंकते हैं, थूक फेंकते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो इसमें आपको 2000 रुपये के फाइन भी लग सकते हैं। कशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।